जी सुनिए तो, मेरे सूटकेस में से चांदी की डिबिया गायब हो गई, उसमें एक नोट भी था 100 रुपए का। ये नई नौकरानी है, जब से रखी है घर में अंधेर आ गया है, वो नौकरानी ले गई शायद कल। आप जाइए ना थाने पे, आप तो बस फिल्म खिंचवाते रहते हैं, सारा घर आपने स्टूडियो बना रखा है, जाइए ना जल्दी। यहाँ कलाकारों की इतनी कदरी नहीं, इतने बड़े कलाकार को अब तक देश ने कुछ भी नहीं दिया। क्या दिया? मेहनत का पैसा। सुखी किस मानू दुनिया में, मैं तो बहुत सुखी हूँ भाई। जोश कहता है कि मुझे तेरी जिंदगी पे दिल हिलता है, सिर्फ एक तबस्सुम के लिए खिलता है। तेरी जो मुस्कुराहट होती है वो एक ही होती है, उसके बाद मुरझा जाता है तो मर जाता है। गुंजे ने कहा, इस दुनिया में बाबा ये एक तबस्सुम भी किसे मिलता है। ये मैं एक दफा मुस्कुरा तो लेता हूँ, दुनिया वालों को ये मुस्कुराहट भी सही तौर पे नहीं मिलती। तो इसलिए मैं तो अपने आप को बहुत सुखी समझता हूँ सर। बाप के जैसा ये कौन नहीं चाहता। मैं भी चाहती हूँ, वैसे तवक्को कम है, हम तो इसको पढ़ा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये लड़का पढ़ लिख के डॉक्टर या इंजीनियर हो जाए। खान साहब तो पढ़ाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि ये मेरे जैसा आर्टिस्ट नहीं बन सकेगा। मैं पढ़ूंगा, गाना भी सीखूंगा, पढ़ूंगा। तमाम लोग गा बजा रहे हैं, लेकिन उनमें कोई पोएटिक सेंस नहीं है। पोएट्री का सेंस जब तक नहीं होगा, जब तक गवैये में भाव नहीं आए,
इमोशन लेस होगा वो। कब तक बजवाते रहोगे, जनरेशन तुम्हारे पीछे आ रही है। उनका नेचर ऐसा है कि कभी कभी वो बहुत खुश नजर आते हैं, कभी कभी एकदम खुश नहीं मालूम होते। अगर पूछो भी कि क्या बात है, सोचते क्या है, क्या हमसे ना खुश हैं, तो कह देते हैं अरे भाई इंसान है, कभी खुश रहता है कभी वो, तुम क्यों पूछते। पिछले दिनों 5 साल में बहुत दुखी रही, बहुत रोती रही है, मुझे कुछ समझे ही नहीं कि मुझे क्या तकलीफ है। उसके बाद अचानक इनमें ऐसा चेंज आ गया कि मैं रोना धोना सब भूल गई, एकदम मेहरबान हो गए, इतना ख्याल रखते हैं हर बात का कि शायद माँ बाप भी नहीं रखेंगे। कभी इतने खुश रहते हैं, इतने मेहरबान रहते हैं मेरी जरा जरा सी बात का केयर, तो मैं सब गम भूल जाती हूँ। इनके मूड की बात है, कभी कभी दिनों मुझे रोज शाम को साथ घुमाने ले जाएंगे और कभी महीनों के लिए मुझे बंद हो जाना पड़ता है। तो क्या हर वक्त मैं बीवी को गले में बांधे फिरूं? और कभी कहेंगे अरे भाई तुम्हारे बगैर क्या सोसाइटी कंप्लीट होगी, चलो ना
تو ہماری زندگی ایسی ہی ہے, کبھی ہنستے ہیں, کبھی روتے ہیں, کبھی خوش رہتے ہیں, کبھی غم زدہ رہتے ہیں, ایک ساتھ گاڑی نہیں چلتی. رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی. سنگیت ہندو ہو, مسلمان ہو, عیسائی ہو, بدھی ہو, سنگیت سب کا ایک ہی ہے. سنگیت کا راستہ ہر مذہب کے لیے ایک ہے. قرآن صاحب, سنگیت سادھنا کیا آپ کی نجی زندگی میں خلل انداز تو نہیں؟ نہیں, وہ تو میری زندگی کا ایک حصہ ہے. میں اگر گاؤں نہیں صبح یا شام تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں کوئی چیز رہ گئی. At the age of 15, he composed Marcos, and you should listen to that composition. It's wonderful, simply wonderful. ان کی عادتیں بہت اچھی ہیں,
खाने में उनको कोई एतराज नहीं होता, कुछ ही उनको खिला दो, कुछ भी पका के दे दो, कितनी देर में दे दो, किसी चीज को कोई एतराज नहीं, अपनी सोच विचार में रहते हैं। समझ गई कि कलकत्ते से आने के बाद, कलकत्ते से आने के बाद जो कुछ होगा हमेशा पैसा नहीं है, खुदा ना खास्ता क्यों नहीं है, पैसा तो बतेरा मेरे वास्ते नहीं रहता आपके पास पैसा। नहीं नहीं तुम्हारे वास्ते भी रहता है, लेकिन भी का क्या मतलब, कोई बात नहीं, नहीं भी का क्या मतलब, और किसी के वास्ते भी रहता की कितनी वैल्यू है, मगर अपने हाथों कोई पूछता नहीं है। चंद प्रेमी हैं संगीत के जो बस नमस्ते करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, इसके तो और कुछ भी नहीं। आदाब करने वाले बहुत हैं, लेकिन दिया कुछ भी नहीं। शायद खान साहब नहीं चाहते होंगे। खान साहब क्यों नहीं चाहते होंगे, कौन चाहता है कि मेरे लिए कुछ ना हो, लेकिन करे भी कोई। मैं इंडिया में तो مجھے تیری زندگی پہ دل ہلتا ہے، صرف ایک تبسم کے لیے کھلتا ہے، تیری جو مسکراہٹ ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے، اس کے بعد مرجھا جاتا ہے تو مر جاتا ہے۔ مجھے نے کہا اس دنیا میں بابا یہ ایک تبسم بھی کسے ملتا ہے، تو اس لیے میں تو اپنے آپ کو بہت سکھی سمجھتا ہوں صاحب۔